हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और क्वेरीज थे तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ी और रिसर्च करके बताना पड़ा कि आखिर अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अगर होती है तो आपको कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी ले लेते हैं कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना चाहिए अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आपको कौन से कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से कोर्स को प्रेफरेंस देना चाहिए जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए इस बार, अगर होने की पॉसिबिलिटी हो तो। चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस वीडियो की बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मेरे पास ऐसे ही बच्चों के कमेंट आए थे जिनका कि रैंक था 1800 तक, उनका 40 का सिलेक्शन हो गया था, मतलब उनको 1800 रैंक थी, फिर भी उनको कुछ नहीं लाइक थी, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया वगैरह और सिटी स्कैन वगैरह में उनका एडमिशन हो गया है। और कई सारे बच्चे मेरे पास ऐसे कमेंट कर रहे थे जो कि 768 रैंक था उनका, ठीक है, और उनका KGME में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उन्होंने क्या गलती करी थी। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो को बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है, अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए, तभी जाके आपको हो सकता है कि आपको एडमिशन मिल जाए अच्छे से और आसानी से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने बच्चों के एक से लेकर के, ठीक है, और 500 रैंक तक आए होंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका तो एडमिशन हो ही गया होगा और मोस्टली इसमें जो प्रेफरेंस देते होंगे वो डी फार्मा प्रेफरेंस दिए होंगे या तो वो DMLT प्रेफरेंस दिए होंगे, ठीक है। ये मैं पर्टिकुलर किसी कैटेगरी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं हर एक जनरल OBC SC ST सारे मिक्स हैं इसमें। तो अगर आपके अगर हम रैंक की बात करें, देखो 500 से नीचे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको कॉलेज अलाट नहीं हुआ हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 600 से लेकर और 700 तक के बीच का, कोई आपको है और नहीं मिला है अगर आपको सीट, या तो आप लोग इसको 800 कर लो, ठीक है। और आपको अगर सीट नहीं मिला है, ठीक है, तो आप लोग को प्रेफरेंस कौन सा डालना चाहिए। देखिए, डिफार्मा डालने की आप लोग गलती तो कीजिएगा मत, डिफार्मा में फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से किसी से होंगे, ठीक है, क्या SC और ST कैटेगरी से, तो आप लोग डिफार्मा प्रेफरेंस दे देना। और साथ साथ में सभी कैंडिडेट जितने भी जनरल OBC ST ST हैं उनके लिए सबसे पहले जो आपको प्रेफरेंस देना है वो DMLT को देना है। किसको देना है दोस्तों? DMLT कोर्स, ठीक है, और इसके अंतर्गत कोर्स जो है UPUMS को देना आप लोग प्रेफरेंस, ठीक है, BRD को देना, KGME को आप लोग देते हैं, ठीक है, और इसके बाद से आप लोग GSVM को दे सकते हो, GSVM को, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं, आप लोग अगर आपके 800 तक के रैंक आए हैं तो आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के इस कोर्स के लिए दे देना। और लास्ट में सबसे 2-3 कॉलेज आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन के जरूर रखना, ठीक है दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियन का आप लोग जरूर रखना। अब हम बात करते हैं कुछ और कोर्सेज के बारे में जो कि आता है दोस्तों 800 से ऊपर रैंक का। तो जिन भी बच्चों के 800 से ऊपर रैंक आए होंगे, 800 से लेकर 1200 तक के बीच में, ठीक है, तो आप लोग अपने कॉलेज का चुनाव कुछ इस प्रकार से कीजिएगा। ये मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों को इंक्लूड करके नहीं बता रहा हूँ, ये मैं केवल और गवर्नमेंट कॉलेज के बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे लगता है 2200 के आसपास सीटें थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कितनी सीटें थी। तो आप लोग को ऐसे करना है, अगर 800 से 1200 रैंक के बीच में है, आप लोग को एक्सरे टेक्नीशियन और साथ साथ ऑप्टोमेट्री, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन को देना है और साथ में साथ ऑप्टोमेट्री को देना है, ठीक है, ऑप्टोमेट्री को। इसमें आप लोग सबसे पहले जो ऊपर प्रेफरेंस डालना वो डालना आप लोग प्राइवेट, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज जितना भी आपको डालना हो डाल लेना। उसके बाद से आप लोग प्रेफरेंस देना कम से कम 2 या 3 आप लोग प्राइवेट कॉलेज को भी प्रेफरेंस देना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस साल एडमिशन लेना ही है तो आप लोग 2 या 3 कॉलेज को जो है प्रेफरेंस ये भी देना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो कि पहले ही सीट में भर ही चुकी हैं, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बहुत सारी सीटें भी भरी नहीं हैं, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1200 से लेकर 1500 तक कैटेगरी तक, ठीक है, 1200 से लेकर 1500 तक आपका रैंक है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपना जो है कॉलेज और सिलेक्शन का जो चुनाव कर रहे हैं वो आप लोग करना, बेसिकली जो करना आप लोग MRI टेक्नीशियन में करना और CT स्कैन में करना, ठीक है दोस्तों। किस में MRI टेक्नीशियन और CT स्कैन में, इसमें MRI टेक्नीशियन, ठीक है, MRI टेक्नीशियन और CT स्कैन। देखिए MRI टेक्नीशियन और CT स्कैन में आप लोग कौन कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो, इसके अंतर्गत आप लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को दे सकते हो, सॉरी पंडित राम प्रसाद में से दोस्तों MRI है ही नहीं, उसे कुछ और कोर्सेज हैं,
इसमें आप लोग प्रेफरेंस जो दे सकते हो वो आप दे सकते हो बेसिकली के जी एम यू को दे सकते हो, ठीक है, के जी एम यू दे सकते हो। और आपके आपके घर के पास जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट कॉलेज हैं आप लोग वहाँ पर भी प्रेफरेंस ज़रूर देना, ठीक है, क्योंकि चांसेज हैं आपको सीट मिल जाएंगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग अगर होती है तो। मैं हर बार कह रहा हूँ अगर होती है तो, यानी कि ये कन्फर्म नहीं है सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवाएँ भी, क्योंकि बहुत सारे सेशन लेट हो चुका है। अब सीटें का ब्यूरो आएगा तो पता चल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं 1500 से लेकर के 2000 के बीच में, ठीक है। तो अगर आपका जो रैंक है वो 1500 से लेकर 2000 तक आया है तो देखो आप लोग एक्सरे तो टेक्नीशियन सर्च एक्सरे टेक्नीशियन आप लोग डाल देना। और इसके पहले मैंने अगर आपका रैंक जो है 600 से लेकर और 2000 तक है, ठीक है, बीच में कहीं भी जो मैंने इसके पहले बताया, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1500 से लेकर 2000 तक रैंक तक, ठीक है दोस्तों। 1500 से लेकर 2000 रैंक तक अगर आपके रैंक हैं, ठीक है, तो आप लोग को जो सिलेक्शन करना है वो करना है बेसिकली फिजियोथेरेपी में, सैनिटेशन में, डायलिसिस टेक्नीशियन में और एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर में। किसमें दोस्तों? एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर फिजियोथेरेपी में करना है, डायलिसिस टेक्नीशियन में करना है, ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियन में। आप लोग इतने तक कोर्स का चुनाव कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 2000 से ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो 2000 से अगर ऊपर का रैंक आया होगा, 2000 प्लस आया होगा, तो आप लोग तीन कॉलेज का प्रेफरेंस देना, ऊपर तीन कॉलेज का प्रेफरेंस देना गवर्नमेंट, ठीक है, फिर छः कॉलेज को प्रेफरेंस देना गवर्नमेंट, ठीक है, और तीन कॉलेज को प्रेफरेंस देना आप लोग प्राइवेट, ठीक है, क्या प्राइवेट आप लोग क्या करना, तीन कॉलेज को प्रेफरेंस देना प्राइवेट। और इसमें भी आप लोग कोर्स क्या क्या सेलेक्ट करोगे मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इसमें सेलेक्ट करना इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, ठीक है दोस्तों, ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन एंड कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन और इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर। आप लोग वीडियो का एक बार और देख लीजिएगा, मैंने इसमें क्या क्या कोर्सेज बताए हैं। ऊपर आपके जितने भी रैंक है तो आप लोग इस कोर्स का सिलेक्शन करना। देखिए मैंने वीडियो काफ़ी रिसर्च करके बनाई है तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके हिसाब से जो मैंने बताया है आप इसमें अपने भी कुछ कोर्सेज ऐड ऑन कर लीजिएगा अगर आपको करना होगा तो, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से मैंने बहुत ही बेहतर कोर्स बताया है, बहुत ही अच्छे रैंक पर अगर आपका होता है तो आपका एडमिशन आसानी से मिल जाएगा अगर आपको कैम रैंक होता है तो। तो अब तक के लिए देखो दोस्तों ये वीडियो है, कोई कमेंट्स या क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछना जरूर, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं बेसिकली फार्मेसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे और एक और शानदार वीडियो में।